हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार। तो आज चलिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि आपके जो स्क्रीन पे कॉलर स्क्रीन पे जो आपका वर्ल्ड वर्जन वाला आता है लोगो, उसे आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप पूरा पूरा देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे चेंज करना है आपको लोगो स्क्रीन कॉल वाला जो लोगो है उसको कैसे चेंज करना है। तो आपका मेरा देख लीजिए, मेरा अभी पुराना वाला वर्जन है तो मेरा स्क्रीन ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए ऐसा कोई भी, अभी दिखा देता हूँ आपको। अभी तो आप देख रहे हैं ऐसा मेरा लोगो आ रहा है, लेकिन अब इसको मुझे चेंज करना है। तो चलिए मैं आपको कैसे चेंज करना है इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले अपने प्ले स्टोर में आ जाइए। अपने प्ले स्टोर में आने के बाद आपको डाउनलोड करना है HD फोन 7 आईकॉल स्क्रीन OS 10। तो इसे, ये छोटा, बहुत छोटा MB का है ये एप्लीकेशन, इसे आप पहले इंस्टॉल कर लीजिए अपने डिवाइस में। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए इसे आपको डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको कुछ सेटिंग्स करना होगा, तो मैं उसके बारे में अभी आपको बता देता हूँ। इसमें आप पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन इसमें मिलेंगे। हेलो दोस्तों, आपको इसको डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको दोस्तों ऐसा इंटरफेस देखने के लिए आपको मिलेगा। तो पहले अपने नोटिफिकेशन को एक्सेस कर लीजिए। यहाँ पे आपको इनेबल करना होगा इसे एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे सही का जो टिक मार्क है उस पर आप टिक कर दीजिए। यहाँ से आपको दोस्तों कुछ एग्री करने के लिए पूछेगा, तो यहाँ पे आपको एग्री कर देना है। यहाँ पे जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन, आउटगोइंग कॉल स्क्रीन है, इसे आपको इनेबल ही रखना है। यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों, कॉल बैक डायलॉग, आपको जो ब्लॉक लिस्ट में नंबर डालना है यहाँ से आप डाल सकते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, चेंज बैकग्राउंड भी कर सकते हैं, चेंज रिंगटोन भी कर सकते हैं, चेंज एनिमेशन भी चेंज कर सकते हैं, एडिट मैसेज टेक्स्ट भी आपको चेंज करने के लिए ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे दोस्तों। तो उसके बाद मैं चलिए आपको बताता हूँ इसका इंटरफेस कैसा आ जाता है। तो मैं इस सब रिसाइकल बिन से इसको निकाल देता हूँ, बताता हूँ इसका इंटरफेस कैसा आएगा। तो आप इसमें कॉल के लिए अपने टैप कर दीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट 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 वेट कर दीजिए। यहाँ पे आपको कोई भी नंबर डायल कीजिए, यहाँ पे आप कॉल लगा दीजिए। इसे कट कर देना है दोस्तों आपको। देखिए दोस्तों, ये जो मेरा है इंटरफेस चेंज हो चुका है, और उधर से जो आने वाली कॉल है वो उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ आएगा इंटरफेस कैसा दिखेगा। उधर से जो आपका कॉल आएगा, तो उधर से जो आपका कॉल आएगा दोस्तों, आपको इंटरफेस देखने के लिए आपको ऐसा मिलेगा। इंटरफेस देखने के लिए ऐसा मिलेगा दोस्तों। तो ये बहुत बड़े, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों, और इसे आप डाउनलोड करके अपने जो कॉलर स्क्रीन को है वो चेंज कर सकते हैं। तो आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपको इस वीडियो से जो भी सुझाव हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जय हिंद।